हेलो नमस्कार अदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना जो मनक काम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आपके सामने में कर्क लग्न की कुंडली बनी हुई है, इसमें मैंने सूर्य तक का फलादेश आपको बता दिया है। आइए कर्क लग्न के कुंडली में बुध का क्या फलादेश होगा मैं आपको बताता हूं कि बुध की जब महादशा अंतरदशा आएगी आपकी जिंदगी में और कर्क लग्न की आपकी कुंडली है तो जिंदगी में क्या क्या आपके साथ हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि कर्क लग्न के कुंडली में बुध तीसरे और बारहवें भाव के मालिक होकर के ये एक मारक ग्रह बन गए हैं। और जैसा कि मैं पहले भी आपको हजार बार बता चुका हूं कि मारक ग्रह का मतलब जहां बैठना जहां देखना वहाँ पर में बुरा प्रभाव देना। तो बुध का फलादेश कर्क लग्न की कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है। जब भी बुध की महादशा अंतरदशा आएगी तो कुछ अनएक्सपेक्टेड कंडीशन को छोड़ करके बाकी जगह पर में बुध बुरा फल देगा, जिसके कारण से कुछ 10-5% अच्छा फल भी दे देता है बुध बुरा रहने के बाद भी, लेकिन बाकी मामले में वो बुरा फल देगा। आइए चर्चा आरम्भ करते हैं। जैसे कि बुध आपके कुंडली के लग्न के प्रथम भाव में ही कर्क राशि में ही बैठा हो तो आपको अपने समय में मानसिक रूप से डिस्टर्ब करेगा, टेंशन तनाव देगा, मेंटली तौर पर में अटैक करने की कोशिश करेगा। आपको मैं बता दूं कि रंग रूप थोड़ा सा शांत जरूर बना देगा, दिखने में आप सुंदर जरूर होंगे, एक सभ्य व्यक्ति के तौर पर में आप जरूर सामने आएंगे। लोग आपको देख करके ये जरूर कहेंगे कि ये एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। गुण भी आपके अंदर बहुत सारा संचार होगा, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेंटली तौर पर वो अटैक करेगा। बुध की दृष्टि यहाँ से सप्तम भाव पर में तो पति पत्नी के रिश्ता को थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करेगा। दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर में टेंशन तनाव लाने की कोशिश करेगा, काम और वासना भड़काने की कोशिश करेगा। आपको बता दूं कि दुश्मन से भी परेशान करवाने का प्रयास करेगा बुध, और दैनिक व्यवसाय पर में भी कुछ कमी लाने का प्रयास करेगा। ये तो नहीं कह सकते पूर्ण बंद कर देगा, लेकिन कमी लाने का प्रयास करेगा। और पार्टनरशिप में अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो सातवां भाव पार्टनरशिप का भी है तो वहाँ पर में भी अटैक कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि बुध अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो आप ये अनुभव करेंगे कि बुध का जब समय जिंदगी में आएगा महादशा अंतरदशा तो बैंक बैलेंस जो है एक तरफ अगर थोड़ा सा जमा होगा, विदेश से धन लाभ अगर होगा तो दूसरे तरफ से आपका पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। बैंक बैलेंस जो आपने जमा करके बहुत पूंजी रखी थी वो सब धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएगा। अनुभव करेंगे कि परिवार में भी छोटी छोटी बातों पर में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पड़ोसी के साथ भी बहुत बढ़िया संबंध नहीं रह पा रहा है। आप ये अनुभव करेंगे कि दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे हैं, आपका वाणी जरूर मीठी हो जाएगी, बड़ा मीठे शब्द का प्रयोग करेंगे, लोग जो आपसे बात करेंगे उनको उठने का मन नहीं करेगा, इतना मधु घोल करके चीनी घोल करके आप पिला देंगे अपनी वाणी में, वाणी बड़ा बढ़िया रहेगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से काम में बाधाओं का योग बन जाएगा। आप जितना काम करने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे कि उस पर में परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है, काम सही तरीके से सफलतापूर्वक ख़त्म नहीं हो पा रहा है। आप काम बनाने की कोशिश करते हैं, काम बना करके आप उधर गए, आपका काम भी उधर चला गया, यानी कि काम भी बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट वगैरह का योग बन जाता है। इस समय में चोट वगैरह लगने की बड़ी संभावना बन जाती है, इसलिए बड़ा सावधान। विदेश से कुछ धन लाभ का योग जरूर बन जाता है। बुध अगर आपके कुंडली में मित्रों तीसरे भाव में बैठा हुआ है यहाँ पर में तो बुध यहाँ पर में उच्च का हो गया, यहाँ पर में ये बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है मारक होने के बाद भी, जिसके कारण से बुध का जब समय आएगा आपके ज़िंदगी में तो आप ये अनुभव करेंगे कि बुध जो है सो आपको खूब मेहनती बना देगा, बहुत मेहनती, पूरा परिश्रमी बना देगा, खूब परिश्रम करेंगे, पराक्रमी बना देगा, धैर्यवान बना देगा आपको, आप बहुत धैर्य के साथ काम लेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस समय में बुध आपके माता के साथ अगर कोई अनहोनी होने वाली है तो उसको भी टाल देगा, उसको भी आगे बढ़ा देगा, क्योंकि ये तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है। तो बुध ये प्रयास करेगा, उच्च का है, इसके पास पावर होगा तो उनके मृत्यु को भी आगे टाल करके लेकर चला जाएगा। गुप्त शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो गुप्त शत्रु का विनाश ही कर देगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से दृष्टि पड़ेगी, अच्छा ये तीसरे बहन का भी एक तीसरे दृष्टि घर में बैठने के कारण एक छोटी बहन का भी योग बना देगा, जिसके कारण से अच्छा छोटे भाई बहन के सुख का भी योग है, जूनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा बुध के समय में। बुध की दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर में तो भाग्य भरोसे बहुत सारा काम जिंदगी में हो जाएगा बुध के समय में। और आपको मैं बता दूं
कि ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ का योग आपके लिए बन जाएगा, साला साली से भी विशेष फायदा होगा, महिलाओं को देवर ननद जेठ से भी विशेष फायदा होगा और धर्म कर्म में भी बड़ा विकास कर पाएंगे, आपके यश का गान चारों तरफ होगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और शिक्षा स्तर भी आपका बढ़िया होगा। बुध अगर आपके कुंडली में मित्रों चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा परेशानी देगा, जैसे कि माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा अस्वस्थ रह सकता है, माता को हेल्थ वाइज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपका माता के बीच थोड़ा सा मतभेद टेंशन तनाव की स्थिति रह सकती है, माता हो सकता है हर बात पर मैं आपको डांट दे अथवा आप ही माता कुछ ऐसा बोल दे जिसके कारण उनका दिल छल्ली हो जाए, उनका तकलीफ हो मन में। आपको बता दूं कि जमीन से संबंधित परेशानी का इस समय में सामना करना पड़ सकता है, प्लॉट से संबंधित परेशानी का, मकान से संबंधित परेशानी का आपको बुध के समय में सामना करना पड़ सकता है अगर चतुर्थ भाव में बुध है तो। आपको मैं बता दूं कि मकान जमीन के साथ साथ गाड़ी से संबंधित भी परेशानी, अचल संपत्ति से संबंधित टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, छाती हृदय से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधान। बुध की दृष्टि दशम भाव पर में तो आपको बता दूं कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान राजयोग में भी कुछ कमी देखने को मिल सकता है, बुध आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। बुध अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, एक बढ़िया सुयोग्य पुत्री प्राप्ति का योग लेकर के आया है, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं बुध जो है सो आपको संतान से रिलेशन बिल्डअप बहुत बढ़िया नहीं होने देगा, पिता पुत्र के बीच में, माता अगर कोई महिला देख रहे हैं तो माता और संतान के बीच में रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर में ऐसा हो जाएगा या तो आप ही संतान को बहुत ज़्यादा इरिटेट करने की कोशिश करेंगे अथवा संतान ही आपको कुछ ऐसा जवाब देता रहेगा जिसके कारण आपका मन दुखी रहेगा, मन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि अचानक से धनहानि भी करवा देगा, लव को सक्सेस होने में भी थोड़ा परेशानी में डाल देगा आपको और ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा कम फायदा मिलेगा, आपके चाहने वालों की संख्या बुध के समय में थोड़ी सी कम हो जाएगी। बुध की दृष्टि लाभ के घर पर में तो लाभ तो मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कम होगी, उपलब्धियाँ कम प्राप्त होंगी, सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, बड़े भाई बहन की तरफ से लाभ कम प्राप्त होगा। बुध अगर आपके कुंडली में मित्रों छठे भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर बड़ा परेशानी में डाल देगा, जैसे कि दुश्मन से आपको खूब परेशान करवाने का प्रयास करेगा बुध। आपको बता दूं कि कुछ हेल्थ वाइज इशू भी देगा, पेट से संबंधित मेनली परेशानी आपको बुध देगा, इसके अलावा आपका मन भी चिंतित रह सकता है, बुध के समय में थोड़ा सा दुखी रहेगा मन और हो सकता है किसी प्रकार का आप पर में आरोप भी लगा दिया जाए, इल्जाम भी लगा दिया जाए, केस मुकदमा का भी चक्कर आप पर में डाला जा सकता है बुध के समय में। छठा भाव जो होता है वो आपको बता दूं कि आपके कर्ज का भी होता है तो कर्ज वगैरह भी आपको हो सकता है, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, दवा दारू में पैसा जाएगा आपका। आपको बता दूं कि पैसा कहीं पर में आपका फंस सकता है, किसी को देंगे वो वापस नहीं करना चाहेगा, सैया सुख कम प्राप्त होगी, आपको नींद भी बड़ी देर से आएगी, नींद सही तरीके से नहीं आएगी, विदेश से कुछ लाभ हो सकता है, वैसे धनहानि का प्रबल योग बना देगा बुध। बुध अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो जीवन साथी जरूर बढ़िया बिजनेसमैन मिल सकता है, बढ़िया व्यवसायी, बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी, लेकिन बुध के समय में थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति बुध जो है सो पैदा कर देगा, थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करेगा पति पत्नी के बीच में। आपको मैं बता दूं कि काम और वासना जो है आपका वो भी काम और वासना भी ज़्यादा भड़काएगा, उसको आपको बहकाने की कोशिश करेगा, बहकने की कोशिश ना करें। आपको मैं बता दूं कि विवाह जिसका नहीं हुआ है उसका विवाह का भी योग बन जाएगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा और जो दुश्मन है वो आपसे टकराने की बार बार कोशिश करेगा और पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ काम करते हैं तो बड़ा समझदारी के साथ करना होगा, नहीं तो वहाँ पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बुध अगर आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर मैं और ज़्यादा परेशानी देगा, जैसे कि एक लाभ मात्र विदेश से कुछ धन लाभ का योग जरूर बन जाएगा लेकिन आपका हर काम में बाधा आना शुरू हो जाएगा, जो भी काम करने की कोशिश करेंगे बाधा उससे पहले वहाँ पर पहुँची रहेगी, गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी डाल सकता है। आपको बता दूं कि हर काम में परिवर्तन का योग बन जाएगा, आप काम बनाने की कोशिश करेंगे, बुध काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा। बुध की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी दूसरे भाव पर में तो जमा पूंजी वगैरह धीरे धीरे आपके हाथों से निकलता चला जाएगा, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, भगवान ना करे कि ऐसा हो। और आपको मैं बता दूं कि पड़ोसी के साथ जो है सो कुछ
तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। वाणी लेकिन आपकी जरूर मीठी रहेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। बुध अगर आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है यहाँ पर में, तो बुध नीच का हो जाता है नवम भाव में, और नवम भाव का बुध आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक साबित होगा। यहाँ पर में अगर नीच भंग राजयोग की स्थिति बनती है तब तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बुध का जब समय आएगा तो भाग्य का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य भरोसे ज़्यादातर काम हो नहीं पाएगा आपका। आपको मैं बता दूं कि ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, साला साली से भी कुछ परेशानी आ सकती है, और धर्म और तीर्थ के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाएंगे। यहाँ से दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो मेहनत फालतू का बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, भटकना जिंदगी में बहुत पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि छोटे भाई छोटे बहन का एक योग बन जाएगा, लेकिन छोटे भाई बहन से संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा, और छोटी बहन अथवा छोटा भाई आपको जो है सो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, जूनियर्स का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं होगा। बुध अगर आपके कुंडली के दसवें भाव में बैठा हुआ है मित्रों, तो यहाँ पर में बुध जो है आपको थोड़ा सा इज्जत अपने समय में कम करवाएगा, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा इनमें कमी लाएगा, अधिकार में कमी लाएगा, पोजीशन में कमी लाएगा। बुध जो है सो आपको प्रभुता में कम कर देगा, और आपको बता दूं कि पद भी कम कर देगा, राजयोग जो है सो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए, गवर्नमेंट से लाभ भी कम प्राप्त होगा। बुध की दृष्टि यहाँ से चतुर्थ भाव पे पड़ जाएगी, जिसके कारण से आपको बता दूं कि माता को हेल्थ वाइज इशू रह सकती है, पिता को भी हेल्थ वाइज समस्या रह सकता है, और मकान से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है, जमीन से संबंधित परेशानी आ सकती है, गाड़ी से संबंधित परेशानी आ सकती है, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी आ सकती है, छाती हृदय से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको आ सकती है। बुध अगर आपके कुंडली के लाभ के घर में बैठा हुआ है तो कुछ लाभ जरूर देगा, लेकिन कुछ लाभ देगा, थोड़ा मोरा लाभ देगा, थोड़ी मोरी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, थोड़ी सी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि सीनियर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कम मिलेगा, बड़े भाई बहन अगर होंगे तो वहाँ से लाभ कम मिलेगा। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर में, तो पुत्री प्राप्ति का योग बन जाएगा बुध के समय में, और मैं आपको बता दूं कि ननिहाल पक्ष से कम लाभ का योग बन जाएगा, चाहने वालों की संख्या थोड़ी सी घट जाएगी, यश कम प्राप्त होगा, अचानक से धन लाभ कम मिलेगा, पेट से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। बुध अगर आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हूँ अपने ही घर में, तो ये आपके लिए बड़ा ख़राब रहेगा। बुध का जब समय आएगा तो अगर आप विदेश में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं, तब तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर अपने आप जन्म स्थान में रहते हैं तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है। बुध के समय में आपको जो है सो धन हानि का योग बन जाएगा, पैसा आपका ज़्यादा खर्चा होगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, अस्पताल में आपका जो है सो खर्चा हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि सैया सुख कम प्राप्त होगा, धन हानि का योग बन जाएगा, और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर में, तो दुश्मन परेशान करेगा, केस मुकदमा का योग बन सकता है, कर्ज में आप जा सकते हैं, रोग ऋण चिंता ये सब आपको परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, आपके ऊपर में कलंक लगाया जा सकता है, मन बड़ा दुखी रह सकता है, शोकाकुल आप रह सकते हैं। तो ये मित्रों बुध का समस्त भावों में फलादेश था। अब बात ये आती है कि क्या कर्क लग्न के कुंडली में बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अगर आपको कोई बेवकूफ करवाता है तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पन्ना कर्क लग्न के कुंडली में धारण करने का एक ही केवल और केवल एक ही शर्त है, अगर आपके कुंडली में बुध अस्त का बैठा हुआ है, जैसे मैंने पन्ना धारण कर रखा है, नीलम धारण कर रखा है, तो बुध अगर आपके कुंडली में अस्त का बैठा हुआ है तभी आप एक शर्त पे पन्ना धारण कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए पन्ना धारण करना मारक साबित होगा, बड़ा परेशानी का कारक बन जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर देगा पन्ना आपको, तो इसलिए पन्ना तो बिल्कुल ही धारण ना करें। लेकिन अगर आपके ज़िंदगी में बुध से संबंधित दशाएँ चल रही है, अंतरदशा चल रहा है, परेशानी आ रही है, तो आपको बुध का जो है मंत्र का जाप निश्चित रूप से करना होगा। जैसे कि बुध का मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः। प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक कहीं पर में भी बुध अगर आपके कुंडली में है, क्योंकि वो मारक है तो आपको बुरा रिजल्ट देगा, तो इसके लिए आप बस साधारण सा एक छोटा सा मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ,
ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से रोज 10 माला जाप करना बुद्ध के समय में शुरू कर देंगे, भगवान की कृपा रहेगी तो महीने भर बाद ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अथवा बुद्ध के दशा जब ही आए अपने आप शुरू कर दो, हानि हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि वो मौका ही नहीं देगा बुद्ध को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें डिग्री वाइज बड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि 0 से 6 डिग्री पर में होगा तो 25% रिजल्ट मिलेंगे, 6 से 12 डिग्री पर रहेगा तो 50%, 12 से 18 डिग्री पर में तो 100%, और 18 से 24 डिग्री पर में तो फिर 10 से 15%, 24 से 30 डिग्री पर में तो आपको 5 से 10% रिजल्ट प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ बोलिए राधे राधे।